एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेजबान रियाज चौधरी। जिला राजौरी के पलमा सालतार के मकामी लोगों ने आज पानी की किल्लत को लेकर एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पानी की शदीद किल्लत है, लेकिन महकमा गफलत की नींद में है। वहीं मकामी लोगों ने सरपंच की क्यादत में आज एक्सियन राजौरी पीएचई के साथ भी मुलाकात की है। क्या कुछ कहना है मकामी लोगों के साथ साथ एक्सियन राजौरी का भी, हमारे नुमाइंदा लियाकत अली की जानिए इस रिपोर्ट में। पानी नहीं, इसलिए रमजान में पानी कोई नहीं है। जो डिप्टी वाले हैं वो कह रहे हैं कि शाम का टाइम अस मोटर चलाने हैं, मगर असं तू पुजने तू पहले ही वाल खोले हुए होने, इस वास्ते उन्होंने वाल दिते जान या वाल बक्स दिते जान, या डिप्टी वाला जरा उसे पूछना चाहिए कि तू डिप्टी कैसे नहीं दे रही है, पानी नहीं डिप्टी दे रहे हैं या घर नहीं ड्यूटी दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ही तो उसके डिमांड कर रहे हैं, असं डिमांड यही कर रहे हैं कि असं की पानी दिता जाए, इसलिए रमजान महीना परेशानी है। मसला है मैक्सिमम जो कनेक्शन है, आप अगर चेक करेंगे, अगर डिपार्टमेंट जाके इंक्वायरी टीम जाके वहाँ पे चेक करेगी तो मैक्सिमम कनेक्शन जो है वो जीआर के अंडर नहीं लगे हुए हैं, वो इलीगल तौर पर हैं। वो किसी एडब्ल्यू की कहने पे या किसी सुपरवाइजर के कहने पे, किसी के भी कहने पे वहाँ पे कनेक्शन लग जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने जीआर कटवाई है उन लोगों को तकलीफ इसलिए होती है कि वो लोग कहते हैं कि हमने डिपार्टमेंट को पैसे दिए हैं। अगर हमने पैसे दिए हैं तो हमें पानी मुकर्रर टाइम पर हमें पानी की दिक्कत क्यों आती है, हमें पानी घर में क्यों नहीं पहुँचता। देखो उनकी वहाँ दो परेशानियाँ आई थी जो मेरी नॉलेज में थी। एक तो ये थी कि पानी वहाँ जा नहीं रहा है, हर घर तक पानी पहुँच नहीं रहा है। उसकी वजह ये थी कि जो मोटर लगाई हुई थी ऑलरेडी, वो जो थी वो थोड़ा से लोअर हेड की है। मैंने ऑलरेडी अपने काउंटर पार्ट से डिस्कस किया था। अब जब तक कोई अल्टरनेट होता तब तक एज ए सर्वाइव तो करना था, इनको दे रहे हैं। जहाँ तक इलीगल कनेक्शन का तल्लक है, बिल्कुल ये सच है कि वहाँ कुछ लोगों ने कनेक्शन जो है राइजिंग मैन पे लगाए हुए हैं। उसके लिए मैंने कमेटी बना दिया, मैंने एडब्ल्यू को अभी बुला के डायरेक्ट कर दिया है कि इनमें जल्दी पुलिस की असिस्टेंस लो और जितने भी इलीगल कनेक्शन लगे हुए हैं उनको रिमूव करना है। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक पानी का तल्लक है रजौरी में जनरल में, मैं आपको बताता चलूँ आपके माध्यम से कि यहाँ मैक्सिमम सोर्स जो हैं डिप्लीट हो चुके हैं। जैसे हमारा ये बेला कॉलोनी में डीसी डागवल नाम से था, अब वो क्या हुआ कि वहाँ जब हमने सर्कुलर रोड बनाई ठीक है, एक फैसिलिटी दी है, उसके साथ पार्किंग भी रखा, पार्क भी रखा, सब चीज़ें रखी, मगर उसकी वजह से हमारी परकुलेशन बंद हो गई और डागवल जो है डिप्लीट हो गया। इस वक्त 20% ही डागवल चल रहा है, उसमें हम रात को जोड़ जोड़ के पानी चला रहे हैं। इसी तरीके से जब भी आपने यहाँ बात की थी, ये जो छुट्टी बोरवेल था वो भी डिप्लीट हो गया, अलबत्त उसको हमने रीडेवलपमेंट के लिए कहा है और उसके पैसे रखे हैं हमने डिस्ट्रिक्ट प्लान में। अब और चीफ साहब से भी बात हुई है, एडब्ल्यूएससी साहब से भी बात हुई है और जल्दी जल्दी उसको हम रीडेवलपमेंट कराएंगे, क्योंकि बेसिकली उसको थोड़ा लोअरिंग करनी है, 2-4 पाइपें लोअर करनी है, वो हो जाएगा। तब तक हमारे टैंकर सर्विस लगे हुए हैं, हमने 400 मीटर एक लाइन लगा के ग्रेविटी पुल जियारत से सीधा टैंक में और टैंक से सप्लाई दी जा रही है। जो लोअर पोर्शन है वहाँ जो रोड के साइड में, उनको तो हम टैंकर के से ही, उनको भी टैंकर से डायरेक्ट दे रहे हैं। देखिए ये मैकेनिकल से पर्टेन करता है तो मुझे तो इस बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैकेनिक मेरा सिविल साइड है, मैं अपना ही जवाब दूंगा, वो एक्शन मैकेनिकली बता सकते हैं कि उसमें क्या परेशानी है। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि अभी सैम सुमत मेरी स्कीम थी, 1.5 महीने के बाद मोटर आई और दूसरे दिन पंप जो है एक सप्लाई दी और पंप जो है डैमेज हो गया। इसी तरीके से ये अगर बात करें 2-3 स्कीमों की, उनकी यही आदत है, ये एक तरफ से लाते हैं, अगर पंप लाते हैं तो मोटर डैमेज होता है, मोटर होती है पंप डैमेज हो जाता है, मगर उसकी वजह से अल्टीमेटली हमें सफ़र करना पड़ता है। और इस वक्त माह रमज़ान है, रमज़ान में तो बड़ा ही मुश्किल है।